अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2 ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एवरीडे साइंस फॉर कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023 स्क्रीनिंग पेपर। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन विच मंथ। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस जब बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा वो कौन से मंथ में होगा? ऑप्शंस आर जनवरी, फरवरी, जून और दिसंबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जनवरी, और इसको हम कहते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन, ठीक है, जो दिन होता है 3rd of January। और जब ये डिस्टेंस लार्जर हो जाए बिटवीन द अर्थ एंड सन तो उसको हम कहेंगे एफिहिलियन, और वो होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये डेट वेरी करती है। सो इस साल जो इसकी डेट थी वो है 5th of July 2024। ठीक है, जब वो डिस्टेंस बिल्कुल कम हो तो वो होता है पेरिहेलियन, और डिस्टेंस ज्यादा हो अर्थ और सन के बीच में तो एफिहेलियन। ठीक है, और ये पेरिहेलियन होता है वो जनवरी में, एंड एफिहेलियन इन इन द जुलाई। नेक्स्ट इज ग्रीन वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उनकी गुड सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? फैट्स के, मिनरल्स एंड विटामिन्स और प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिनरल्स एंड विटामिन्स। व्हेन अ डिजीज अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये थोड़ा सवाल जो है कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। व्हेन अ डिजीज अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एट वन टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन आर एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और हाइपर एंडेमिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पेंडेमिक। जैसे 2019 कोविड हुआ था वो पेंडेमिक था, जो ग्लोबली उसका डिजीज का प्रिवलेंस हुआ था। और जो एंडेमिक होता है वो होता है सडन जो प्रिवलेंस हो किसी भी डिजीज का किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसको कहते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक होता है कि कंटिन्यूअसली स्प्रेड ऑफ अ डिजीज एट अ सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन और एरिया इज कॉल्ड एपिडेमिक। सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, सो आप इसको नोट कर लें उन तीनों टर्म्स को भी, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का डिफरेंस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉज्ड काजेस। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो उसका काज हो तो क्या होता है, वो क्या करवाती है? ऑप्शन आर रिकेट्स, बेरी बेरी, स्कर्वी या पेलेग्रा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्कर्वी। डेफिशिएंसी विटामिन सी काजेस स्कर्वी। रैकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, बेरी बेरी बी की डेफिशिएंसी, और पेलेग्रा वो होता है बी कॉम्प्लेक्स नियासिन, जो हमने ये कल भी पढ़ा था, B3 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, सो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का डेफिशिएंसी विटामिन सी गाजिस स्कर्वी। अब हमारी जो है हमारे ग्रुप भी है जिसमें हम कमांड कंपटीशन 2023 स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सो उसकी जो ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द लिंक। नेक्स्ट इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन? ऑप्शन आर गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस और आइंस्टाइन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोपरनिकस। गैलीलियो की डिस्कवरी क्या थी? टेलीस्कोप, जिससे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उनसे पता चलता है और उसका डिस्टेंस मालूम होता है। और न्यूटन की है ग्रेविटेशनल फोर्स, आइंस्टाइन की है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज ऑप्शन सी, दैट इज कोपरनिकस। व्हिच मटेरियल इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब इंसुलेटर है? ऑप्शन आर सिल्वर, कॉपर, वुड और एल्यूमिनियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वुड। क्रिप्टोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी जो है स्टडी किस चीज की है? ऑप्शन आर एंशियंट टेक्स्ट, सीक्रेट राइटिंग, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सीक्रेट राइटिंग्स। नेक्स्ट इज
व्हाट इज ए लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी है? ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रक्स ऑक्साइड, दैट इज अ लाफिंग गैस. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के, वो कौन सी पोजिशन में? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. सो नॉर्थ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. फ्लैटली इज द साइंस ऑफ, ऑप्शन आर कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, फॉसिल कलेक्शन और शेल कलेक्शन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टैम्प कलेक्शन. विच विटामिन इजिली प्रिपेयर्ड इन द बॉडी, बॉडी में इजिली प्रिपेयर्ड कौन सा विटामिन होता है? वैसे तो विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं सारे, या फिर न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलते हैं दूसरे सोर्सेस से. कौन सा विटामिन है जो इजिली प्रिपेयर्ड होगा बॉडी में? ऑप्शन आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी, जो थ्रू सन की जो रेडिएशन से उससे होता है. ठीक है, वो जितना भी फेट होता है बॉडी में या कुछ, वो डिकम्पोज होता है इनटू विटामिन डी. विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बलून्स, बलून्स में कौन सी गैस यूज होती है? ऑप्शन आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हीलियम. जो बलून्स में गैस यूज होती है वो होती है हीलियम. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यह सवाल हमने पहले भी पढ़ा था और यह कमीशन में पहले भी आ चुका है स्क्रीनिंग में. ऑप्शन आर सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम. अब इनकी कंपोजिशन में आपको दोबारा बता दूं, जो सिलिकॉन की जो कंपोजिशन है अर्थ में वो कितना परसेंट है? दैट इज 27%. आयरन है 5%, ऑक्सीजन है अराउंड 46.6% और एल्यूमिनियम है 8.1%. ठीक है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा हुआ अर्थ क्रस्ट में? दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, जो जिसकी मकदार सबसे ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में 46.6. ये सवाल एल्यूमिनियम की परसेंट 8.1%, ये पहले आ चुका है. द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है रिलीजन सॉरी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का, तो वो कौन सी है? स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी. सो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बिग बैंग थ्योरी. दिस इज द राइट आंसर. बिग बैंग थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. किडनी डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय एन ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, किडनी डिजीज कौन से विटामिन के ओवरडोज से होती है? ऑप्शन आर विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी. सो द राइट आंसर इज विटामिन डी. विटामिन डी जो है वो काम उसका जो होता है वो हाइपर कैल्शियमिया जो है होती है उसमें, विटामिन डी के एक्सेसिव से या ओवरडोज से, जो किडनी में जाकर स्टोन का बायस बनती है. सो दिस इज द राइट आंसर, दैट विटामिन डी की जो का जो ओवरडोज है वो किडनी डिजीज काज करता है. दिस इज द राइट आंसर. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, ऑप्शन आर लार्जेस्ट ग्लैंड पेंक्रियास, थायराइड, लिवर और एड्रिनल. तो आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज लिवर. अब लिवर में जो लिवर जो है वो है इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड. अब कभी सवाल आ जाए कि एक्सटर्नल लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन सा है, तो वो होगा स्किन. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ग्लैंड. और जो बॉडी में है जो इंटरनल होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज लिवर. द नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का कौन सा है? ऑप्शन आर लिवर, ब्रेन, हार्ट और स्किन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्किन. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पे हमारे पूरे जो टोटल एमसीक्यूज थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर 2 के, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए. तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी विद अस. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.